पहले भी कहा था, आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे, यही सोच के वोट किया है। लेकिन नीतीश जी ने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। हाँ, मैंने सुन लिया, चुनाव तो वैसे भी उन्होंने लड़ा ही नहीं है विधायक का, तो अंतिम चुनाव का क्या मतलब है। और जहाँ तक एज ए मुख्यमंत्री उम्मीदवार वो कहना चाहते हैं अंतिम चुनाव है, तो यही ये चुनाव भी नहीं होना चाहिए था। 15 साल तो हमने उन्हें दिए हैं, पर अब सम्मान के साथ रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आप भी चुनाव आप अपने लिए क्या देख रही हैं इस चुनाव में? मैं अपने लिए वही देख रही हूँ जो मैं बिहार के लिए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ बिहार को आगे लेके जाने के लिए, और बिहार में जो हालत है वो बहुत ही खराब है, तो अब आगे बढ़ने का वक्त है। आपने अपना जो रोड मैप या प्लान रखा है, आपको लगता है कि आपको उसमें जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, या फिर आपके लिए ये ट्रायल है, आप आगे भी लड़ेंगे? आगे भी लड़ेंगे, जरूर आगे भी लड़ेंगे, लेकिन हाँ, मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे। कितना सीट आप लेंगे इस चुनाव में, जितने भी अपने कैंडिडेट उतारे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने कुछ तो होंगे ना? ये जो भविष्यवाणी करने वाली चीज है वो मुझे पसंद नहीं है, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा, लेकिन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे हम। आपने भविष्यवाणी तो कर दी थी मुख्यमंत्री का, आपने भविष्यवाणी तो की थी ना अपने आप को लेकर कि आप मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री। आपने डिक्लेयर तो किया था ना अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री कैंडिडेट? थोड़ा आराम से भी बात कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोगों के जैसे भी बात कर सकते। बिल्कुल पढ़े लिखे जैसे बात, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, आपने अपने आप को मुख्यमंत्री कैंडिडेट डिक्लेयर किया? कैंडिडेट डिक्लेयर करना अभी तो भविष्यवाणी हुआ ना? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं होती, जब हम चुनाव लड़ते हैं, जब उम्मीदवार होते हैं तो भविष्यवाणी नहीं होती है, हम उम्मीदवार होते हैं। भविष्यवाणी अगर आपको सुननी है तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन। लेकिन आप बिल्कुल नए तरीके से आपने कदम रखा है, बिल्कुल एक नए कह सकते हैं नए स्टाइल में रखा है, इसको करने के पीछे का आपका मकसद क्या है, क्यों आप? बिहार में जो व्यवस्था है बहुत ही खराब है, राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ही गिर गया है। यहाँ पे राजनीति और चुनाव सिर्फ दो चीजों के दम पे होती, एक तो बहुत ज्यादा पैसा जो ये 5 साल में वहाँ पे बैठ के कमाते हैं, वो पैसा सबको पता है बांटा जाता है और जो भी होता है सबको पता है, और दूसरा लोगों को लड़ा के, अलग अलग समुदाय के लोगों को लड़ा के लोगों को पिछड़ा रखते हैं। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई की बातें होनी चाहिए, आर्थिक विकास की बातें होनी चाहिए, सब कुछ जुमला हो गया है यहाँ पे, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी, और मिथिला जाना भी उसके लिए जाता है, बुद्धि के लिए जाना जाता है, तो विद्यापति का मिथिला है, गार्गी और मैत्री का मिथिला है, भारती मिश्र का मिथिला है, ये सारी चीजें अब हो गई हैं कहीं पे, इन चीजों को वापस लाने की जरूरत है। बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहार में तो बच्चे भी हैं ना, उनके भविष्य की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए सरकार पे, शिक्षा की जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं, तो अब इन चीजों पे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ और इन्हीं चीजों पे। लेकिन एक चीज है कि इस बार एजेंडा सेट करने की अलग कोशिश हुई, रोजगार और खासकर नौकरियों को लेकर के चर्चा हुई, तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी एक कलम से देने की बात कही, 19 लाख नौकरी की बात बीजेपी ने कही, आपने भी नौकरियों की बात कही, तो क्या लगता नहीं बदला है बिहार? मैंने ही नौकरियों की बात शुरू की थी, मैंने ही धर्म और जाति की बात ना हो ये करना शुरू किया था, जब प्लूरल्स का नाम का ही वही मतलब होता है कि हर धर्म और हर जाति के लोग साथ में शासन करेंगे, और अब वही होगा बिहार में, बिहार बिहार ही रहेगा, और ये सारी चीजों की शुरुआत मैंने ही की थी, फिर सभी करने लगे। जो ये तो हास्यास्पद है ना कि जो पार्टियां जाति और धर्म के ही आधार पे बनी है, उसी आधार पे चलती है, वो भी अब इसे जुमले के तौर पे यूज करती है, मजाक बना के रख दिया है हर चीज का। बहुत कड़े प्रश्न पूछने का अब वक्त है, कोई नहीं पूछ रहा था, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं पूछूंगी और सबसे पूछूंगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी स्तंभ हैं डेमोक्रेसी के, अब सबसे कड़े प्रश्न पूछे जाएंगे और सब जवाब देने की तैयारी करेंगे। आपके पिताजी ने कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था परिवर्तन, वैसा परिवर्तन आप करेंगे, आपको लगता है कि बिहार और दिल्ली में जो वोटर हैं उनके बीच में इस तरीके की भावना है जिस तरीके की दिल्ली में थी, क्या आपको लगता है कि ऐसा परिवर्तन? बिल्कुल, बिहार के लोग बहुत ही होशियार हैं, हम मानते हैं, मैं मानती हूँ कि जानबूझकर हमें पिछड़ा रखा गया है, हमारी शिक्षा की कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, बच्चों में सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता ही है, बिस्फी से मैं चुनाव लड़ रही हूँ ये पता होगा आपको, बिस्फी में भी मुझे लोगों का
वही एक मापदंड रखते हैं अभी इस पूरे कॉन्वर्सेशन का, तो वहाँ पे भी जो भी सभी लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, हेट्रोजेनिटी है, ये भी पता होगा हमारे यहाँ हेट्रोजेनिटी, और वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और सबको अब बदलाव चाहिए। हम थक गए हैं, और खासकर युवा, हम थक गए हैं। ये चीज़ें जो यहाँ हो रही हैं, तमाशा बना के रख दिया है, हम थक गए हैं। सभी समुदायों को बदलाव चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को बदलाव चाहिए, सबको नौकरियां चाहिए, बेहतर जिंदगी चाहिए। दिल्ली में भी लोग ही हैं और बिहार में भी लोग हैं। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी तालीम लें, ये सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे वो बिहार के हों। अच्छे मेडिकल कॉलेजेस, आप लोग तो अभी दरभंगा में ही हैं, जाके देखिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। मधुबनी में भी तो है भी नहीं, मधुबनी के लोगों को, बस्ती के लोगों को यहाँ आना पड़ता है। तो ये 15 साल और 30 साल में बैठ के क्या कर रहे थे मैम? आप दरभंगा सारी सीट के वोटर भी हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप दरभंगा के बारे में क्या सोचती हैं? यहाँ की जो स्थिति है उस पर आप क्या सोचते हैं, यहाँ के चुनावी माहौल या यहाँ के विकास के बारे में? देखिए, दरभंगा हो, मधुबनी हो, मिथिला हो, हर जगह एक ही हालत है कमोबेश। हर जगह विकास का जो स्तर है वो एक ही है, राजनीति का जो पूरा तमाशा है वो एक ही है। ऐसे तो लोकतंत्र में राजनीति नहीं होनी चाहिए कि आप राजनीति सिर्फ दो चीज़ों के आधार से करें, पैसे बांट दें, चीज़ें बांट दें और लोगों को लड़ा दें, तो एक ही हालत है पूरे मिथिला की, एक ही हालत है। वो मिथिला जो पश्चिम चंपारण से शुरू होता है और किशनगंज में ख़त्म होता है, वहाँ तक की एक ही हालत है, विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ।